स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ का एक टॉपिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक जनरल साइंस की तरह है, ये कॉमन जनरल नॉलेज की तरह है, फिर भी मैं एक बार आपसे डिस्कस करता हूँ और ये मेरा लेक्चर दो सेशन में कंप्लीट करूँगा। आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको जो एनर्जी हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके रिसोर्स, ये सब पर जनरल डिस्कस करता हूँ और हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके इम्पॉर्टेंट पोर्शन को पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट दैट मीन्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें हम प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हम इससे पहले कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एनर्जी। पहले तो हम यही देख लें कि एनर्जी क्या है। भाई एनर्जी हम जानते हैं, ये होता क्या है एनर्जी? वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग एनी वर्क। हमको कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी हम कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। हम आपसे बात नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, कोई काम नहीं सकते, ये कोई भी वर्क नहीं हो सकता। दैट मीन्स एनर्जी का मेन रिक्वायर्ड क्या है, इसका नीड क्या है फॉर डूइंग वर्क। वर्क करना ही एनर्जी है, इसीलिए वर्क एनर्जी का जो कॉमन डेफिनेशन है, द इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, द इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। ये चैप्टर पूरा थ्योरी है, आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और आपको तैयार हो जाएगा। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज रिसोर्सेज, ये आप बुक से रीडिंग करके समझ सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत टेक्निकल है। तो ये है एनर्जी, वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, दैट मीन्स द इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी के कितने सोर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी के सोर्स के बारे में बात करने के पहले ये देख लें कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के तो बहुत सारे सोर्स हैं। तो गुड सोर्स हैं जो हमारे पास, उसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्लियर? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक जनरल पॉइंट पर अपन डिस्कशन करते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, अच्छे सोर्स क्या होंगे एनर्जी के। तो सबसे अच्छा सोर्स तो वो होगा जो लार्ज स्केल में अवेलेबल हो। इट शुड बी फाउंड इन लार्ज स्केल, इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। ठीक, मतलब बहुत आसानी से उसको क्या करें हम ट्रांसपोर्ट। सपोज अपने को एनर्जी तो मिला लेकिन हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ले जा नहीं सकते, तो गुड एनर्जी नहीं हो सकता। इट शुड बी इकोनॉमिकल, बहुत कास्टली मत हो, बहुत महंगा मत हो। ठीक है, पॉल्यूशन नेग्लिजिबल हो, कम से कम हो, जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन उसे पॉल्यूशन ना हो। इट शुड बी नो एस डेवलप ना हो, राख डेवलप ना हो। तो ये सब क्या है, इसके पॉइंट्स हैं। मैं अपने इस वीडियो में, इस सेशन में जितने आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, ओरल आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर मैं पॉइंट आउट ना करके मैं अपने बोर्ड में डिस्प्ले कर दूंगा। तो आप जहाँ पर भी मैं थ्योरेटिकल डिस्कस करूँगा, आप मेरे लेफ्ट साइड में बोर्ड में उसका आपको फ्लो चार्ट बता दूंगा, उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे इसके करेक्टरिस्टिक्स कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो नियर अबाउट 3-4 पॉइंट आप इसमें लर्न कर लोगे, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए भी तो सीधा आएगा व्हाट इज एनर्जी, राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्लियर? नाउ इट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन मतलब इसको कितने पार्ट में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो मेजर क्लासिफिकेशन है, हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं।
First is renewable source of energy, and second is non-renewable. ये हम टू टाइप्स इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. रीन्यूएबल सोर्स, देखिए नाम से स्पष्ट है, रीन्यूएबल. नॉन रीन्यूएबल, यदि हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ें, रीन्यूएबल दैट मीन्स एनर्जी का ऐसा सोर्स जिसको रीन्यू किया जा सके, मतलब हम बार बार उसके फॉर्म को अगेन एंड अगेन हम यूज कर सके, दैट इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम इसका क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, विंड एनर्जी. विंड से जो हम एनर्जी, वो रिन्यूएबल है क्योंकि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमको एनी टाइम अवेलेबल है, ओनली उसका फॉर्म चेंज होता है. ठीक है, फ्लोइंग ऑफ रिवर, रिवर से टाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एंड सो ऑन. ये सब क्या है, मतलब एक तरह से आप देखो तो ये नेचर में अवेलेबल है, दे आर गिवन बाय नेचर. विंड एनर्जी, विंड से अपन विंड फैन चला के, आगे बताऊंगा मैं. फ्लोइंग रिवर, वाटर जो फ्लो होता है उसको, वाटर को हम डैम में कलेक्ट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं. टाइडल एनर्जी जो होता है, सी में जो टाइड्स होते हैं उससे. सोलर, ते सब क्या है, गिफ्टेड बाय नेचर है. ये सब एनर्जी के जो सोर्स हैं वो हमको नेचर से दिया गया है मेजर. एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा इसमें देखिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम इसको टू पार्ट में, और या सोर्स ऑफ एनर्जी को हम टू पार्ट में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. एक कहलाता है कन्वेंशनल सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, देखिए कन्वेंशनल मतलब होता है जिसको हम मोर यूज करते हैं, मैक्सिमम, माने हम अपने लाइफ में जो मैक्सिमम एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हम एलपीजी गैस यूज करते हैं या कोल यूज करते हैं, मतलब जो लार्ज स्केल में हमको हमारे लाइफ में अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है, और उससे हम अपना यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल कहलाता है, हमारे लिए कन्वेंशनल है ये. नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हमको लार्ज स्केल में नहीं मिलता या रेगुलर नहीं मिलता, जैसे टाइडल एनर्जी. अब टाइडल एनर्जी समुद्र, इसमें सी में टाइड्स आएंगे तभी हम उसको यूज कर सकते हैं. विंड है, तो विंड, यदि हमको विंड एनर्जी से सपोज इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना है, सपोज नेचर में विंड कुछ दिन तक बहुत स्लो स्पीड में चला, तब तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे एनर्जी तो गायब हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं. तो कन्वेंशनल ऐसा है जो हमको रेगुलर मिले, लार्ज स्केल में मिले, वो कन्वेंशनल है, और ये क्या कहलाता है, नॉन कन्वेंशनल है. अब यहाँ पर हमने लिखा है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा सोर्स, एनर्जी का ऐसा सोर्स जिसको रीन्यू नहीं किया जा सकता, जो एक बार प्रोड्यूस होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसके फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, लाइक कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है, पेट्रोलियम गैस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पेट्रोलियम, एलपीजी, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, मतलब जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसको हम रिन्यू नहीं करा सकते. तो ये मैंने आपको बताया, इसका क्लासिफिकेशन ध्यान से देखिए, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसमें, इकोनॉमिकल होना चाहिए, लार्ज स्केल में अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसमें ज़्यादा एस नहीं मिलना चाहिए, राख ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए उसके बर्न होने के बाद, वो क्या है, इको फ्रेंडली हो, मतलब वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा ख़राब ना करें. ठीक है, ये सब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
फिर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, टू टाइप से क्लासिफाई किए, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ऐसा एनर्जी का सोर्स जिसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसका फॉर्म बस चेंज होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, और सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर हमने देखा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जो लार्ज स्केल में अवेलेबल है, जो हमारे लिए ईजी है, जो हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली है, ये सब क्या है, कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो हमको रेगुलर नहीं मिल पाता, वो नॉन कन्वेंशनल है। ये हमने आपको बताया इसका क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज, हम अब थोड़ा सा पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स में जनरली हम पढ़ते हैं, जो इसके टाइप से समझ लीजिए, फर्स्ट कोल, सेकंड पेट्रोलियम, थर्ड इज एलपीजी, फोर्थ इज नेचुरल गैस। ये सब क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स के मैक्सिमम टाइप्स हैं। एक्चुअल फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। होता क्या है कि हमारे नेचर में जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ट्रीज हों, प्लांट हों, वो जब अर्थ के अंदर दबते जाते हैं तो बहुत साल बाद फॉर लॉन्ग ईयर, जब उस अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, एक टेम्परेचर, प्रेशर, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में चेंज होने के बाद एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। उस फॉर्म में चेंज होने के बाद ये क्या है, एनर्जी के सोर्स की तरह वर्क करते हैं, ये कहलाता है फॉसिल फ्यूल्स। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कोल। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन से कोल, अपने को जमीन से कोल मिलता है, कोयला मिलता है। अपन जब जमीन की खुदाई करते हैं तो कोयले के भंडार है, वहाँ से कोयला निकलता है, ये सब कोल है। आप इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रॉपर्टीज, इसके ड्रॉबैक्स, इसके ये सब आप उसको एक एक पॉइंट में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स का टाइप है। पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है वो भी हमको क्या होता है, अर्थ से अपने को मिलता है। इसमें भी सब एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह का मिक्सचर होता है। बेसिकली जब उसको लिक्विडफाइड फॉर्म में पाया जाता है, एलपीजी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम ही है लेकिन ये लिक्विडफाइड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं, वो कहलाता है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। जो अपन घर में गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर से अपन जो खाना बनाते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, एलपीजी होता है। ये जो पेट्रोलियम है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने कहीं ट्रांसपेरेंट उसको देखा होगा, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में उसको आपने देखा होगा, तो लिक्विड फॉर्म में दिखता है। घर में हम सिलेंडर में यूज़ करते हैं तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं, वो तो ये आयरन का बना होता है तो हमको दिखता नहीं है। आपने कहीं पर उसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में देखा होगा तो आपको दिखेगा। वो क्या होता है, जैसे बर्नर में बाहर आता है तो ऑक्सीजन से क्रिएट करके वो बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, इसीलिए इमीडिएट हमको लिक्विड फॉर्म में नहीं दिख पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आते ही बर्न हो जाता है वो। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सी एन जी इसका सबसे एग्जाम्पल है। कंप्रेस नेचुरल गैस ये जो होता है सी एन जी, आजकल महानगरों में, खासकर दिल्ली में, आपने सुना होगा, या आप दिल्ली गए होंगे, आप न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पर पूरे व्हीकल क्या होते हैं, सीएनजी से चलते हैं, क्योंकि सीएनजी में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। इसमें जो स्मोक निकलता है अपने व्हीकल से, जो स्मोक निकलता है वो इसमें नहीं के बराबर होता है। सीएनजी से चलने वाले व्हीकल में आपको गैस नहीं मिलेगा। इसमें जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो होता है मीथेन का। मीथेन नियर अबाउट 85% मीथेन होता है, और प्लस इसके बाद इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इनका जो मिक्सचर होता है ये नेचुरल गैस कहलाता है।
तो एलपीजी को ही मेथेन के साथ में कंबाइन करके नेचुरल गैस बनाया गया। तो जितने आपको पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं, एक्चुअल में सबके सब हाइड्रोकार्बन्स प्रोडक्ट हैं, कोल से लेके पूरे नेचुरल गैस तक। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनसे जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। इसके सबके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लगभग कॉमन है। जैसे क्या होता है, इनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, इससे हाई कैलोरी अपने को एनर्जी मिलता है। ये मैं आपको ओरल डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मेरे लेफ्ट साइड में मैं क्या है अपने बोर्ड पर पूरा डिस्प्ले कर दूंगा, उसमें से आप इसका करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, बुक में भी अवेलेबल है, पूरा थियोरटिकल चैप्टर है। इसका जो सेकंड मैं आपको जो पार्ट में वीडियो दूंगा, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इसके पार्ट हैं, जिसमें बेसिकली हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में और कुछ ऐसे पावर प्लांट के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी को किस किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्स हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो। तो ये हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स, उसके टाइप्स और इसके कंपोजिशंस वगैरह के किस प्रकार से होते हैं, क्लियर। अब अपन देखते हैं कि पावर प्रोडक्शन का जो हमारे पास सिस्टम है, जैसे पावर प्लांट, इस चैप्टर का एक बहुत मेजर पोर्शन है पावर प्लांट, जिसमें आज मैं आपको सिर्फ दो पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करूंगा, और बचे हुए जो पावर प्लांट हैं वो मेरे नेक्स्ट सेशन के वीडियो मिलेगा। एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करूं तो आपके लिए वो बर्डन हो जाएगा। तो हम कुछ पावर प्लांट पढ़ते हैं आज। पावर प्लांट, पावर प्रोडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन करने के लिए जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं वो पावर प्लांट हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर, फर्स्ट इज हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, देखिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है, क्योंकि हम हमेशा हर कंडीशन पर पावर प्लांट नहीं लगा सकते। देखिए पावर प्रोडक्शन के लिए आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डायनेमो पढ़े, डायनेमो हमने पढ़ा, एसी डायनेमो, डीसी डायनेमो। तो डायनेमो का जो बेसिक वर्किंग फंक्शन क्या है, डायनेमो इज द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनेमो में जो रोटेट करने के लिए जो फंक्शन होता है, उसको जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, दैट इज टर्बाइन, यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, टर्बाइन कहेंगे। तो टर्बाइन को जब हम रोटेट करेंगे, आप एक बार आप उस चैप्टर में जाइए, आपको ध्यान में होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, डायनेमो को रोटेट करते हैं, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी पावर प्लांट लगाए जाते हैं वो पूरे पावर प्लांट में क्या होता है, जो उसके आर्मेचर को, जिसको हम यहाँ कहेंगे टर्बाइन, तो टर्बाइन को जब रोटेट किया जाता है, तो टर्बाइन के रोटेट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर एक मैं आपको समझाने के लिए एक इस तरह का एक डायग्राम स्क्रेच कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, डैम बनाते हैं अपन इस तरह से। अब यह डैम रिवर में या नेचर में किस तरह का भी सिचुएशन बनता है, इसको समझाने से पहले आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, फिल्मों के एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आता है। आप लोगों ने स्वदेश फिल्म देखा होगा शाहरुख खान का, यदि आप लोगों में से जितने लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान नासा में साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन वो जब अपने घर आते हैं, इंडिया आते हैं, तो यहाँ के प्रॉब्लम्स को देख के वो अपने गाँव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एक पावर प्लांट बनाते हैं छोटा सा। तो यदि आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप अपने मेमोरी में उसके लाइए, वो एक छोटा सा डैम बनाते हैं ऊपर में, फिर वहाँ से पाइपलाइन से पानी लाते हैं, और एक रोटर होता है जहाँ पर टरबाइन होता है, वहाँ वाटर के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। ये तो आपको ध्यान में होगा, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो फ्यूचर में कभी आपको मौका लगे तो आप स्वदेश फिल्म के उस प्रोजेक्ट को देखिए, आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर एक डैम होता है, और इस डैम से फिर वाटर सप्लाई करने के लिए इस तरह से पाइप होता है। ये जो पाइप होता है, फिर यहाँ पर एक ये डायनेमो है, सपोज ये एक डायनेमो है, और यहाँ पर होता है टर्बाइन, जो इसके एक्सिस के साथ में कंबाइंड होता है इस तरह से। ये मैंने टर्बाइन बना दिया सपोज। अब ये डायनेमो में इसका जो आर्मेचर होता है इस तरह से सेंटर में, जैसे हम इसमें वाटर सप्लाई करते हैं, तो वाटर के फ्लो के कारण ये टर्बाइन क्या होता है,
रोटेट होने लगता है, इस तरह से रोटेट होने लगता है। अब इस टर्बाइन के रोटेट होते ही ये डायनेमो में करंट डेवलप होता है और ये हम करंट को फिर क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो करंट को रिसीव करके उसको आगे ट्रांसमिट करता है, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट होता है। इस तरह से तो बहुत आसान फंक्शन है इसका कि एक डैम होता है या हाइट में अपन वाटर स्टोर कर लेते हैं, उस वाटर को जब हम पाइप से फ्लो कराते हैं और टर्बाइन को, यह टर्बाइन है यहाँ पर, इस टर्बाइन को जब हम फ्लो कराते हैं, टर्बाइन में जब वाटर फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, टर्बाइन रोटेट होने लगता है। टर्बाइन रोटेट होने से पूरा आर्मेचर रोटेट होता है, दैट मीन्स आपका डायनेमो का आर्मेचर रोटेट होने लगता है। और आप डायनेमो के चैप्टर में पढ़े हैं कि जैसे हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे, जैसे ही इसका आर्मेचर मूव करेगा तो करंट डेवलप होता है और उस करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आपको मैं जितने भी तरह का पावर प्लांट बताऊंगा, सभी पावर प्लांट का एक बेसिक मैकेनिज्म यह है कि वहाँ डायनेमो होगा और वो डायनेमो क्या होगा, रोटेट होगा, चाहे किसी भी थ्रू, किसी भी एनर्जी के थ्रू रोटेट हो। सवाल ये नहीं है कि कौन उसको रोटेट करा रहा है, उससे हमको मतलब नहीं, उसको रोटेट होना चाहिए। कहीं पर उसको वाटर का फ्लो रोटेट कराएगा, कहीं पर उसको स्टीम रोटेट कराएगा तो वो क्या हो जाएगा, थर्मल पावर हो जाएगा। कहीं पर विंड एनर्जी से हम उसको रोटेट कराएंगे तो विंड पावर प्लांट हो जाएगा वो। यदि हम ओशन के टाइड्स से यदि उसको रोटेट कराएं तो टाइड एनर्जी हो जाएगा। तो इसके सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है कि डायनेमो का टर्बाइन क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। क्लियर? तो ये है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट इज, देखिए ये जो हमारा सोर्स है ये इकोनॉमिकल है, ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमको नेचर में हर जगह इस तरह से डैम बनाने का सिचुएशन नहीं मिलता, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसी एरिया में सक्सेसफुल है जहाँ पर हाइट से रिवर में वाटर फ्लो हो रहा हो, जहाँ पर हम एक डैम बना सके, ग्राउंड लेवल में तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छा सिस्टम होने के बाद भी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट। सेकंड थर्मल पावर, एनटीपीसी नाम आप लोगों ने सुना होगा, देश में एनटीपीसी की, हमारे कंट्री में एनटीपीसी के बहुत सारे ब्रांच हैं, हमारे आसपास भी एनटीपीसी के कई प्लांट हैं, पूरे कंट्री में एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट हैं। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट। तो एनटीपीसी मतलब वही है थर्मल पावर प्लांट, एन अपन लगा दें तो नेशनल थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर से क्या होता होगा फिर, दैट मीन्स हीट से। तो यहाँ पर का जो सिस्टम है इस तरह से काम करता है, हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है और इस कंटेनर में हम इस तरह से, मैं आपको एक सिस्टमेटिक, ये सब आपको रियल फिगर मैं अपने बोर्ड में डिस्प्ले कर दूंगा, बाकी यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं बस आपको यहाँ पर फिगर ड्रा कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोक के हेल्प से, यहाँ पर हम कोक बर्न करके इसको हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं कोल से, इसीलिए क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल होना जरूरी है। और इस वाटर को बर्न करके यहाँ पर उसका बनाते हैं स्टीम, ये जो स्टीम है वो फिर इस स्टीम को हम ले जाते हैं टर्न करके कहाँ पर, टर्बाइन पर, ये हो गया फिर टर्बाइन, ये वही टर्बाइन यहाँ, और ये टर्बाइन फिर कनेक्ट होता है किससे, डायनेमो से, ये डायनेमो है और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाता है। और यहाँ पर डायनेमो में ये जो स्टीम जाता है इसको घुमाने के बाद ये स्टीम अगेन रिसाइकल होता है, और ये जो वाटर है, ये स्टीम का जो वाटर है, ये तो हो गया इसका आर्मेचर, ये इसका सेफ्ट हो गया, ये इसको रोटेट कराता है, और यहाँ से ये स्टीम का प्रेशर, ध्यान से समझिए, यहाँ पर उसको हीट किए, हीट किए तो क्या है, वाटर बॉयल हुआ, बॉयल होने से क्या बन गया, ये स्टीम बन गया, ये स्टीम इसके थ्रू गया, और यहाँ पर स्टीम के प्रेशर ने, स्टीम के प्रेशर ने क्या किया, इस टर्बाइन को रोटेट किया, टर्बाइन के रोटेट होने से हमारा डायनेमो रोटेट हुआ और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया। और ये जो स्टीम है वो अगेन क्या होता है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कूल होने के बाद, और ये वाटर क्या हो जाता है, इस टैंक में रिसाइकल हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट हमारे पास पावर प्लांट है।
जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत सक्सेसफुल है। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थर्मल पावर ही है, क्योंकि हम इसको ग्राउंड एरिया में ही बना सकते हैं। उसके लिए बस अपने को एक प्लांट बनाना होता है, बस हमारे पास कोक एंड वाटर अवेलेबल होना चाहिए। कोक एंड वाटर इज़ द मेन रिसोर्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। पानी होना चाहिए और कोयला होना चाहिए। कोयले को जला के हम क्या करते हैं, पानी से भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं और टर्बाइन को घुमाते हैं। क्लियर? ये होता है थर्मल पावर प्लांट, जो कि बहुत सक्सेसफुल है। इसके बाद बहुत से पावर प्लांट हैं। एक सेशन में मैं आपको पूरे पावर प्लांट इसमें आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, या पढ़ा भी दूं तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो एक बार मैं बस अपने सेशन की वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, ये मैं अभी से बता दूं आपको। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बायोगैस प्लांट, इस पर और टाइड्स पर, विंड पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फायर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन मेरा कम्प्लीटली पावर प्लांट पर ही बेस्ड होगा। ये जितना थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया वो आप एक बार बुक से रीडिंग करिए, या मैंने बोर्ड में डिस्प्ले किया है उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, आप उसको याद करिए। तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और एक जनरल नॉलेज की तरह चैप्टर है। ओके, थैंक यू।